देखिए, ये जयंती के लगभग 150 साल होने को है और आज हर साल की भांति इस साल भी वैसे तो आज स्थापना दिवस भी है, लेकिन उससे बड़ा और उससे ज़्यादा यादगार भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती। आज इस जयंती दिवस जिसकी आवाज शायद गांव कस्बे मोहल्ले तक ही सीमित होती थी, आज देर से ही सही आज इसकी आवाज़ बहुत दूर तक गई है, क्योंकि अब अपने संघर्ष और अपने बलिदानी और समाज के प्रति समर्पित होने वाले लोगों की लहू की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। सर, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, बिरसा जी को राष्ट्रीय पहचान देने की बात हो रही है, और हम लोगों ने तो सदियों से, आज से नहीं, पहले भी कहा कि 150 साल होने को है, कोई गली मोहल्ले कस्बे में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाता आ रहा है। और चूंकि ये समाज भी एक ऐसा वर्ग है कि एक अत्यंत पिछड़ा, गरीब, सीमित संसाधन, और आज जब उस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है, तो हमारे अगुआ साथियों का, अगुआ हम लोगों के स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे वीर सपूतों को हम लोगों ने याद किया है और उनको हमेशा अपना अनुयायी माना है। और आज इस बात को मानने के लिए पूरा देश विवश हो रहा है। सर, जनजातीय गौरव दिवस अब मनाया जाएगा, सर बिरसा जी को एक राष्ट्रीय पहचान देने की बात हो रही है। देखिए, जिसका जैसा घर वैसा पकवान। अब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने ये, उन्होंने अपना ये घोषणा किया है, स्वागत योग्य है, लेकिन ये घोषणा से इस समाज का पेट नहीं भर सकता, आगे नहीं आ सकता, जब तक उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये इतिहास के पन्नों में छपे रहेंगे, यूं ही मूर्तियां बनती रहेंगी।